नमस्ते जी, कैसे आप सब। एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास फॉर यू में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द एनिमल्स इन दैट कंट्री। ये एक पोइम है जिसे लिखा है मार्गरेट एटवुड ने, एंड ये पोइम पब्लिश हुई थी 1968 में। ये मार्गरेट की पोइट्री का 5th वॉल्यूम है, एंड ये जो पोइम है ये जिस कलेक्शन से ली गई है उस पोइट्री कलेक्शन का टाइटल भी सेम है, यानी कि द एनिमल्स इन दैट कंट्री ही है। ओके, तो पहले हम मार्गरेट एटवुड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम पोइम की इंट्रोडक्शन एंड पोइम की जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो मार्गरेट है वो एक फेमस कैनेडियन पोइट, नोवेलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रही हैं। 1961 से मार्गरेट 18 पोइट्री की बुक्स, 18 नॉवल्स, 11 नॉन फिक्शन बुक्स, 9 शॉर्ट फिक्शन कलेक्शन, 8 चिल्ड्रन बुक्स एंड 2 ग्राफिकल नॉवल्स जो हैं वो पब्लिश कर चुकी हैं। तो इनके जो फेमस वर्क हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सरफेसिंग, एंड ये जो इनका वर्क सरफेसिंग है ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसने देखना होगा वो जाकर चेकआउट कर लेना। एंड सेकेंड वर्क है कैट्स आई, थर्ड वर्क है द टेस्टामेंट्स, फोर्थ वर्क है द ईयर ऑफ द फ्लड, फिफ्थ है द एनिमल्स इन दैट कंट्री जो हमारा आज का टॉपिक है, एंड सिक्स्थ वर्क है प्रोसीजर्स फॉर अंडरग्राउंड। तो ये जो इनका वर्क है ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसने भी ये पॉइंट देखनी होगी वो जाकर चेकआउट कर लेना। तो ये थे इनके फेमस वर्क, एंड मार्गरेट को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, तो उनमें से जो मोस्ट फेमस अवार्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है गवर्नर जनरल अवार्ड, ये इनको 2 बार मिला है, 1966 में फिर 1985 में। सेकंड है लॉस एंजलिस टाइम फिक्शन अवार्ड, ये इनको 1986 में मिला है। थर्ड है ट्रिलियम बुक अवार्ड, ये इन्हें 1991 में, फिर 1993 में एंड फिर 1995 में मिला है। एंड फोर्थ है बुकर प्राइज़, ये भी मार्गरेट को 2 बार मिला है, एक 2000 में मिला था, फिर 2019 में फिर मिला। एंड उसके बाद हमारा जो लास्ट अवार्ड है वो है कंपेनियन ऑफ ऑनर, ये इन्हें 2019 में मिला है। तो ये था मार्गरेट एटवुड के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की इंट्रोडक्शन। इस पोइम का जो टाइटल है वो डिफरेंस बताता है दैट कंट्री में और दिस कंट्री में। इस पोइम में न्यू वर्ल्ड और यूरोप के बीच में डिफरेंस बताया गया है। एंड इस कलेक्शन की 2 थीम हैं जो कि मार्गरेट की ऑलमोस्ट हर प्रोज और हर वर्सेस में होती ही है। फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड सेकेंड है सेलिब्रेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो एक्चुअल में ये जो थीम्स हैं ये इस पोइम से कैसे रिलेट करती हैं, बिकॉज इस पोइम में भी एनिमल के साथ जो है ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उसको जो है बताया गया है, कि कैसे जो ह्यूमन है वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं सोसाइटी में। द एनिमल्स इन दैट कंट्री पोइम में अनइवन स्टेंजास हैं, एंड हर स्टेंजा में लगभग 2 से 5 लाइन्स हैं। एंड मार्गरेट एटवुड की इस पोइम में रैपिडली एनिमल इमेजरी का प्रयोग किया गया है, यानी कि आपकी जो एनिमल्स से रिलेटेड इमेजिनेशन है वो इस पोइम में आपको देखने को मिलेगी। एंड ये जो पोइम है, इस पोइम में मार्गरेट ने अपने नेटिव कंट्री के बारे में बात की है, एंड जहाँ कॉलोनाइजर्स जो है वो कैनेडा को कॉलोनाइज करने के लिए आए हैं। इस पोइम में मार्गरेट ने दर्शाया है कि कैसे जो लोग हैं वो एज एनिमल बिहेव करते हैं और एनिमल के जैसे हैं, बट प्रिटेंड ऐसा करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन है। यानी कि जो पोइटेस है वो बताना चाहती है कि ह्यूमन का बिहेवियर एनिमल के जैसे हो गया है, यानी कि ह्यूमन में जो ह्यूमैनिटी थी, जो उनकी एक क्वालिटी थी, वो अब ह्यूमन में बची नहीं है। तो ये थी इस पोइम की इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे द एनिमल्स इन दैट कंट्री, ये जो हमारी पोइम है इसकी ब्रीफ समरी। ओके, तो इस पोइम में टोटल 28 लाइन्स हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है वो फर्स्ट लाइन से लेकर 8th लाइन तक है। तो इस पोइम के इस ओपनिंग कपलेट में स्पीकर ने पोइम की शुरुआत बहुत ही स्ट्राइकिंग लाइन से की है। इसमें पोइट ने उस कंट्री की डिस्क्रिप्शन दी है जो टाइटल में भी मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल क्या है हमारा, द एनिमल्स इन दैट कंट्री। तो ये जो टाइटल है हमारा दैट कंट्री है, इसी के बारे में पोइट ने जो है फर्स्ट स्टैंजा में बताया हुआ है। एंड पोइटेस ने ये भी बताया है कि कैसे ये जो हमारी पोइम की दैट कंट्री है ये अर्थ की बाकी कंट्री से डिफर है। पोइटर्स बताती हैं कि एक ऐसी जगह है वेयर एनिमल्स हैव द फेसेस ऑफ पीपल। तो यहाँ पर जो एटवुड है वो रीडर्स की इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करती हैं, एंड इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो पोइम में दैट कंट्री की बात की जा रही है ये एक फिक्शनल कंट्री है, ऐसी कोई रियल में कंट्री नहीं है, ये जस्ट पोइम में पोइटर्स ने एक फिक्शनल कंट्री का यूज़ किया है। एटवुड ने अपनी इस पोइम में एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया है जहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी ह्यूमन के जितनी है। एटवुड ने इस वर्ल्ड के एनिमल्स को ह्यूमन बनाया है या ह्यूमन समझा है, एंड मार्गरेट की ये जो यूनिक सी कंट्री है एंड अलग सा कॉन्सेप्ट है जो जानवरों की वैल्यू और उनकी इम्पोर्टेंस को बताता है।
एंड इस स्टैंजा में पोइटेस ने हंटर्स और फ्रिक्वेंटली हंटेड एनिमल के बारे में भी बात की है. मीन्स ऑटवुड ने फ्रिक्वेंटली हंटेड एनिमल जैसे कि आपकी फॉक्सेस होगी उनकी और शिकारियों के बीच की बात की है. एटवुड बताती हैं कि ये जो दैट वर्ल्ड है जो हमारी पोइम के टाइटल में मेंशन किया है दैट वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की बात हो रही है. यहाँ पर जो शिकारी हैं वो ऐसे क्रिएचर्स को हंट करने के बजाय खुद में शिष्टाचार विकसित करते हैं, तो जो फॉक्सेस हैं वो भी पोलाइटली बिना किसी हार्म के चली जाती हैं. ओके, तो जो हमारा अगला स्टैंजा है वो पोइम की 9th लाइन से लेकर 17th लाइन तक है. और हाँ, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं लिरिक्स इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है. तो आप यहाँ से लिरिक्स देख लेना, मैं जस्ट आपको ब्रीफ सी समरी बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनो. ओके, तो ये जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है इसमें 5 लाइन्स हैं. ओके, तो जो पोइम में ये जो लाइन है डबल एम्ब्रॉयडर्ड विद ब्लड एंड गिवन एन एलिगेंट डेथ, तो इन लाइन्स का मतलब है कि जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि बुल फाइटिंग में जो भी बुल मरता है उसकी डेथ को जो है एलिगेंट डेथ माना जाता है. तो जो स्पीकर है वो यहाँ पर इसे एक जानवर के लिए आदर्श अंत के रूप में देखता है. जानवर यानी कि जो बुल है जो शक्तिशाली है, शानदार है, जिसकी बुल फाइटिंग में डेथ होगी. ऑटवुड के अकॉर्डिंग जो ट्रम्पेट्स होते हैं उन्हें बुल का नाम पुकारना चाहिए एंड बुल की इस ब्रेव डेथ की मेमोरी को इस तरह से लोगों के बीच में स्प्रेड करना चाहिए कि लोग उस मेमोरी को कभी ना भूलें. तो यहाँ पर पोइट ने जो है बुल एज अ मेटाफॉर यूज़ किया है. एक्चुअल में यहाँ पर एक पावरफुल फैमिलीज को सिंबलाइज किया जाता है. ओके, ये जो लाइन्स हैं ये बुल की डेथ से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल्स भी देती हैं एंड ऑटवुड की ये जो कल्पना है, ये जो इमेजिनेशन है, ये सुंदर नहीं है लेकिन हर टचिंग है. हमारी पोइटेस हैं वो आगे बता हैं कि कैसे जानवर रेत में पड़े हैं जिनके दिलों में तलवारें धंसी हैं. एंड इस पोइम का जो दैट वर्ल्ड है इसमें इंसान की कोई उपस्थिति नहीं है एंड ये वर्ल्ड जो है ये कुछ अलग ही है जिसे अलग तरह से देखा जाता है. आगे पोइट बताते हैं कि ये जो दैट कंट्री है इसमें एनिमल्स के पास ह्यूमन फेसेस हैं एंड इससे जो एनिमल हैं वो एक दूसरे को फेस से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और अपने जैसे लिविंग क्रिएचर्स की फिर ये केयर कर रहे हैं. ओके, तो जो हमारा अगला स्टैंजा है वो पोइम की 18th लाइन से लेकर 20th लाइन तक है. तो इस स्टैंजा में जो स्पीकर है उसने वुल्व्स के बारे में यानी कि भेड़ियों के बारे में डिस्कस किया है. पोइटेस बताती हैं कि जो वॉल्स हैं वो अपने आप में ही घने जंगलों में रहते हैं एंड इन एनिमल्स को ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का एंड ह्यूमन की जो अफेयर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है एंड ना ही उन्हें ह्यूमन में कोई इंटरेस्ट है. एंड जो भेड़िया हैं वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं एंड इनकी जो कन्वर्सेशन है ये उनकी इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करती है. एटवुड बताती हैं कि इस लैंड के जो एनिमल्स हैं उनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप है एंड एटवुड चाहती है कि जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं इनकी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रीडर्स के माइंड में स्ट्राइक करे. तो अब हमारा जो अगला स्टैंजा है वो पोइम की 21st लाइन से लेकर 28th लाइन तक है. तो ये जो स्टैंजा है ये बाकी स्टैंजा से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पर पोइटेस ने इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में नहीं बल्कि रीडर्स को एक रियल वर्ल्ड के बारे में बताया है जो कि आजकल का वर्ल्ड है जो हमारे आसपास आजकल एग्जिस्ट करता है. पोइटेस बताती हैं कि रीडर्स की कंट्री में जो एनिमल्स हैं उनके पास एनिमल के ही फेसेस हैं. तो यहाँ पर रीडर्स ये हमें कह रही है जो हमारा वर्ल्ड है जो रियल वर्ल्ड है उसकी बात हो रही है. यहाँ पे पोइटेस कहती हैं कि आजकल के वर्ल्ड में एनिमल्स की वैल्यू नहीं है एंड पोइटेस बताती हैं कि जो ह्यूमन की व्हीकल्स होती हैं उनकी वजह से एनिमल्स मारे जाते हैं. पोइटेस बताती हैं कि जब एनिमल्स रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं एंड कई बार ये सक्सेसफुल हो भी जाते हैं लेकिन कई बार ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एंड जिस कारण ये गाड़ी से मारे जाते हैं. तो इनकी जो डेथ होती है वो बुल की तरह एलिगेंट डेथ नहीं होती है. तो जैसे पीछे इन्होंने बुल की जो बुल फाइटिंग में डेथ होती है उसको एलिगेंट डेथ माना है लेकिन पोइटेस जो है वो जो गाड़ियों से जो एनिमल्स रियल वर्ल्ड में मारे जाते हैं उनकी डेथ को एक एलिगेंट डेथ नहीं मानती है. वो उसको बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ मानती है कि ह्यूमन क्यों जो एनिमल डेथ है उसको मतलब वैल्यू नहीं करता है. तो यहाँ पर जो एटवुड हैं वो रीडर्स का ध्यान इस बात पर लाना चाहती हैं कि ये जो रियल वर्ल्ड है यहाँ पर एनिमल्स की वैल्यू नहीं की जाती है. ह्यूमन के लिए एनिमल कुछ भी नहीं होते हैं. तो ये सब ह्यूमन काइंड इनएबिलिटी के कारण है जिस कारण जो ह्यूमन है वो नहीं समझ पाता है कि एनिमल्स कितने वर्दी हैं, उनकी कितनी वैल्यू है ह्यूमन लाइफ में. क्योंकि एनिमल्स हम पे डिपेंड करते हैं, हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. तो ये जो होता है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है ह्यूमन और एनिमल में. तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए एंड वो फिर हमारी केयर करेंगे.
तो ओवरऑल कंक्लूजन इस पोइम का यही है कि जो एटवुड है वो रियल प्रेजेंट वर्ल्ड के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल्स भी ह्यूमन के जितने वैल्यूएबल हैं एंड उन्हें भी सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे कि इंसान को दी जाती है। तो यही थी द एनिमल्स इन दैट कंट्री पोइम की समरी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।